हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आ गई है हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया स्मार्ट वॉच जो कि प्राइस के हिसाब से बहुत कुछ आपको ऑफर कर रही है। इस स्मार्ट वॉच का नाम है गिज़मोर की तरफ से आने वाली गिज़फिट ग्लो। जी हाँ, गिज़फिट ग्लो बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे आपको दो चीज़ें ऑफर करती है जो कि बाकी स्मार्ट वॉचेस में या तो एक मिलता है, दूसरा नहीं मिलता है, या दोनों ही चीज़ें मिसिंग होती है। पहली बात, इस वॉच के अंदर आपको मिलता है एमोलेड डिस्प्ले, साथ ही साथ इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग भी मिल जाता है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अमेजिंग है इस वॉच की। चलिए शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ, फिर बताएंगे आपको सारे फीचर्स इस वॉच के। तो दोस्तों, ये है गिज़फिट ग्लो, और गिज़फिट ग्लो एक ऐसी स्मार्ट वॉच है जो कि बहुत ही अच्छे लुक एंड फील के साथ आती है। इसका जो AOD डिस्प्ले है वो बहुत ही बढ़िया लगता है, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का AOD डिस्प्ले आपको मिलता है। बिल्ड क्वालिटी जो है वॉच की बहुत ही प्रीमियम है, यहाँ पे आपको पूरा मेटलिक फ्रेम मिल जाता है। साथ ही साथ बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक मिलता है, लेकिन काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये प्लास्टिक यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। यहाँ पे आपको चार्जिंग कनेक्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है, गिज़मोर की ब्रांडिंग मिल जाती है, और इधर मिलते हैं आपको दो बटन्स, और ये दो बटन थोड़े अलग तरह के हैं। अगर आप देखें तो इस वाले बटन से आप कुछ इस तरह से सारी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, और इनको कुछ इस तरह से आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं कुछ ऐसे करके। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन के बीच में स्क्रॉल कर सकते हैं बाय रोटेटिंग दिस डायल, और बहुत ही अच्छा टेक्टाइल बटन है। इस तरफ वाला बटन जो है एक तरह से आप कह सकते हैं बैक बटन है। बहुत सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वॉच फेसेस यहाँ पे मिल रहे हैं, वॉच फेसेस के बीच में टॉगल कर सकते हैं इजिली इन बटन के थ्रू। इसमें आपको माइक और स्पीकर दोनों मिल जाता है, स्पीकर काफ़ी लाउड भी है, और अगर मैं स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करूं तो बिल्कुल बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग के साथ एक अच्छी क्वालिटी का स्ट्रैप भी मिल रहा है। यहाँ पे आपको गिज़मोर की ब्रांडिंग मिल रही है बकल के ऊपर, और इसका फिट भी काफ़ी अच्छा रहता है। IP67 की सर्टिफिकेशन यहाँ पे मिल जाती है, तो काफ़ी हद तक ये वाटरप्रूफ आप समझ सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है। SpO2 का डेडिकेटेड सेंसर नहीं है, हार्ट रेट का सेंसर ही है, उसी से ही अंदाज़ा लगा कि आपको SpO2 भी बताता है। लेकिन हमने इसका टिश्यू पेपर टेस्ट करके देखा है, और वहाँ पे हमने देखा है कि भैया टिश्यू पेपर का भी हार्ट रेट बता देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेंसर्स ख़राब हैं, कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि भाई वो जो सेंसर है वो काम तो कर रहा है, लेकिन उसको बेसिकली वियर डिटेक्शन नहीं है। तो यानी कि इस वॉच के अंदर आपको वियर डिटेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन सेंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमने पल्स ऑक्सीमीटर को लगा के देखा है, साथ में एक्यूरेसी चेक की है, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कैसे वैल्यूज जो है बिल्कुल आसपास हैं, और इसमें आपको हार्ट रेट एंड SpO2 दोनों का फीचर मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से आपको इसकी ऐप मिल जाती है। ऐप के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको वॉलेट का फीचर मिलता है। वॉलेट का मतलब है कि अगर आप किसी से कोई पेमेंट लेना चाहते हैं तो आप उसका QR कोड बना के अपनी वॉच पे ही डिस्प्ले कर सकते हैं, और उनको बोल सकते हैं कि भाई इसको स्कैन कर दो मुझे पे करने के लिए। साथ ही साथ अगर आपको बिजनेस प्रोफाइल्स की लिंक रखने हैं, यानी कि अपना फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो वो भी यहाँ पर आप QR कोड के फॉर्म में उसका लिंक स्टोर करके रख सकते हैं। तो वॉच से ही आप कह सकते हैं भाई स्कैन कर लो एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है बिजनेस एंड वॉलेट के अंदर। फिर आपको पुश नोटिफिकेशन मिलती है, आप फ़ोन से वॉच को ढूंढ सकते हैं, वॉच से फ़ोन को ढूंढ सकते हैं, लेकिन जब भी आप ऐसा करते हैं तो फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आती है और वॉच भी वाइब्रेट करती है। फिर इसके बाद आपको अलार्म मिल जाते हैं, एक्टिविटी रिमाइंडर मिल जाता है, ड्रिंक रिमाइंडर भी मिल जाता है, पानी वगैरह का अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो वो सब मिल जाएगा। कस्टम वॉच फेस भी इसमें लग जाता है जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप अपनी खुद की फोटोज भी इस पे लगा सकते हैं जो कि बहुत कूल लगती हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे वेदर रिपोर्ट्स मिल जाती हैं जो कि वॉच पे मिल जाएगा। स्पोर्ट्स के जो मोड हैं अगर आपको और ऐड करने हैं तो एप्लीकेशन के अंदर आपको काफ़ी सारे मोड्स और मिल जाते हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं बाद में ऐप के थ्रू। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फिटनेस मोड सपोर्टेड, आप देख सकते हैं क्रिकेट के लिए, इंडोर साइकिल, डांस वगैरह, हॉकी वगैरह, ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स यू कैन ट्रैक, और इसमें बहुत सारे यहाँ पे जो है कैटेगरी बनी हुई हैं। फिर यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेल्थ मॉनिटर मिल जाता है, एलिवेटेड हार्ट रेट मेजरमेंट भी मिल जाता है जिसमें आपको अलर्ट देता है अगर आपका हार्ट रेट ज़्यादा ऊपर जाएगा तो एकदम से, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। शेक फोटोग्राफ, यानी कि वॉच को आप शेक कर सकते हैं जिससे आप फोटो वगैरह कैप्चर कर सकते हैं अपने फ़ोन से। इसकी जो ऐप है वो थोड़ी
बेसिक है लेकिन सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी आपको ऐप के अंदर मिल जाते हैं। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन में डिस्प्ले 1.3 इंच का है जो कि बड़ा अच्छा सर्कुलर डिस्प्ले है। तो ऐसा नहीं है कि सर्कुलर वॉच है तो स्क्वायर डिस्प्ले, सर्कुलर डिस्प्ले ही है। और उसके ब्लैक लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, खासतौर से रात में काफ़ी अच्छी बैटरी बच जाती है अगर आप AOD वगैरह ऑन करके रखें, दिन में भी फायदा होता है। और बैटरी बैकअप भी आराम से आपको एक हफ्ते का इस वॉच में मिल जाता है। इस वॉच में आपको 300 mAh की बैटरी मिलती है। और दोस्तों ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर भी आपको मिलता है, उसकी क्वालिटी मैं आपको सुना देता हूँ। आपको बिल्डिंग दिख रही होगी एक, उस पर फराग अर्गो इनपुट लिखा होगा। आपके आसपास क्या है ये बताइए एक बार। अरोड़ा प्रॉपर्टीज, अरोड़ा प्रॉपर्टीज, आप गोल चेक करके, नहीं पराग अर्गो इनपुट लिखा होगा, पराग अर्गो इनपुट। अच्छा गोल चेक कर। तो ब्लूटूथ कॉलिंग में हमने देखा कि यहाँ पे इसका लाउड स्पीकर काफ़ी लाउड है और बात करने में आपको दिक्कत कोई नहीं आती है। डिपेंडिंग कि अगर दूसरा बंदा कोई नॉइजी इन्वायरमेंट में नहीं है, आप आराम से वॉच पे बात कर पाएंगे, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक और बात इस वॉच के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको साउंड अलर्ट्स मिलते हैं। जब भी इस वॉच के थ्रू आपके फ़ोन पे कोई कॉल आ रहा है तो वॉच में भी म्यूजिक बजता है। दोस्तों ये है वॉच का इंटरफेस जो कि काफ़ी ईजी है यूज़ करना, और इवन वॉच फेसेस भी अगर आपको चेंज करने हैं तो कुछ इस तरह से आप इसको पहले वेकअप कर लीजिए। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में डालने के लिए आपको ये बटन दबाना है एंड देन इट विल गो इनटू ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जिसमें ये बैटरी कम खाती है वॉच, और यही इसके AMOLED डिस्प्ले की फायदा है। अगर आपने वेकअप कर लिया तो उसके बाद आप वॉच फेसेस इजीली इस रोटेटिंग डायल बटन को यूज करके चेंज कर सकते हैं। जैसा भी आपको वॉच फेस चाहिए वो बहुत ही ईजी और क्विक हो जाता है, जो अच्छी बात है। साथ ही साथ इस वॉच के ऊपर आपको 2.5D कर्व डिस्प्ले ग्लास मिल जाता है, जिससे आपको एक अच्छा टच रिस्पॉन्स तो मिलता ही है, साथ ही साथ ही काफ़ी स्मूथ रहता है। इस पर कोटिंग भी है आपकी। अब इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे आपको, अगर आप एप्लीकेशन को लेके आएंगे सारी, इन एप्लीकेशन को भी आप टॉगल कर सकते हैं, कुछ जैसे एप्पल वॉच में होता है, कुछ कुछ यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे इस वॉच में हो रहा है। तो आप सारी एप्लीकेशन के बीच में टॉगल कर सकते हैं। हार्ट रेट है यहाँ पे, एक्टिविटी है, वर्कआउट है, बिजनेस कार्ड है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। साथ ही साथ वॉच फेस में ऊपर से आप स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको ये टॉगल्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको बैटरी लाइफ, उसकी कनेक्टिविटी, यहाँ पे आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड अनेबल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे टॉगल में मिल जाती हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ से आप फ़ोन को ढूंढ भी सकते हैं इस पर टैप करके, तो ये आपको मिल जाता है। इसके अलावा नीचे से टॉगल करने पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह सारी दिख जाती हैं, उन नोटिफिकेशन को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं बट उनको रिप्लाई आप नहीं कर सकते। इस तरफ से आपको एक्टिविटी मॉनिटर मिल जाता है, हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है, कॉल रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं, फिर इसके बाद आपको स्लीप ट्रैकिंग का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, और आप इसमें और इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे टैप करके, बाकी और चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। इसके बाद इस तरफ से अगर आप करेंगे स्वाइप फ्रॉम द लेफ्ट तो आपको ईजिली एक साइड बार मिल जाता है, जिसके थ्रू आप इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग एक्सेस करना है तो आप यहीं पर टैप करके ब्लूटूथ कॉलिंग वाले फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको डायल करना है कोई भी फ़ोन नंबर अपनी वॉच से ही, तो वो भी आप यहीं से डायल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और क्विक शॉर्टकट भी आपको मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे मैसेजिंग का है, हार्ट रेट का है, तो यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स जो हैं मिल जाते हैं। दोस्तों प्राइस इसकी काफी एग्रेसिव है, सिर्फ 2400 रुपए में आपको ये वॉच मिल जाती है, जबकि ये वॉच डिस्काउंट के बाद, फ्लिपकार्ट की सेल खत्म होने के बाद 3499 की हो जाएगी, और यहाँ पे इसके 2999 वाला वर्जन भी मिलेगा, यानी कि तकरीबन 3000 या उससे ऊपर की मिलेगी ये। अगर आप अभी खरीदना चाहते हैं तो आपको ये अभी काफी अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में। हमारे पास ये ब्लैक कलर में है, अदरवाइज आपको 2 कलर ऑप्शंस और मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी क्वेरीज क्वेश्चंस हैं उनको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।